पूरा मोहल्ला खाली हो गया हम लोगों का पूरा इधर भाई, इतना अच्छा लगता था, कितना हरा भरा रहता था, पूरा का माहौल खाली कर दिया है, देख रहे हैं ना ये सब, कितना अच्छा अच्छा पेड़ था यार। इंसान से ज़्यादा पेड़ पौधा नुकसान हुआ है, सबकी माँ बहने कर दिया है। ऐसा ना कि मैं जो वीडियो बना रहा कहीं मेरे ऊपर आए गिर जाए, कोई गारंटी नहीं, इतना तेज़ हवा चल रहा है ना, इससे कोई हिसाब नहीं। ऐसे न्यूज़ में तो 150 के हिसाब से बता रहा है प्रति घंटे के हिसाब से, लेकिन कितना चल रहा हो तो वो काफ़ी तेज नहीं रहेगा, पीछा को झोर के फेंक दे रहा है, पाता छिता आदमी तो ऐसा ही उड़ जा जाएगा। अभी सिर्फ हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ की वीडियो है ये, अभी थोड़ा बाहर निकलेंगे ना कितना ऐसा ऐसा पेड़ गिरा है, गिनती करना भारी पड़ जाएगा। आज कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि अच्छे होंगे, और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और काफ़ी दिन बाद आज ब्लॉग बना रहे हैं अपने कैंप से ही, क्योंकि आज बहुत खुश हैं, खुश इसलिए हैं कि बारिश आज बहुत तेज़ आया था, बारिश के साथ साथ आंधी और बारिश बहुत काफ़ी तेज़ था। आप पीछे देख रहे हैं रोड पे कितना सारा पेड़ गिर गया है, इधर भी पेड़ गिर गया है, इधर देख सकते हैं इधर भी बहुत सारा पेड़, मतलब कि बहुत क्षति पहुँचा है, फिर भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मौसम इतना सुहाना हो गया ना, ठंडा मज़ा आ गया बिल्कुल। इधर हमारे दोस्त वही में ऐसे ही डेली बारिश होते रहे, मज़ा आ जाएगा, फिर तो गर्मी कोई एहसास नहीं हो, काफ़ी ज़्यादा गर्मी था गुजरात में, इतना ज़्यादा गर्मी था सोचे नहीं थे हम, पता होता है गुजरात में इतना ज़्यादा गर्मी है तो हम गुजरात में आते भी नहीं, बहुत गर्मी है गुजरात में, इतना तेज़ देख रहे हैं इधर हम कितना पेड़ गिर गया, देख रहे हैं ना बहुत बहुत तेज़ था यहाँ पर, इतना ज़्यादा गाछ वृक्ष है कि बारिश जब जब भी आता है बहुत ही तेज़ ही आता है। जा रहे हैं ड्यूटी, नाइट ड्यूटी है, शाम का समय है, अपन ड्यूटी का टाइम हो गया है, शाम को 7 बजे से फिर सुबह 7 बजे तक। अभी जाएंगे मेस में, खाना पैक करेंगे, ये टिफिन देख रहे हैं ना, खाना पैक करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, ड्यूटी जाएंगे, यहाँ से लगभग 20 मिनट लगता है साइट पर जाने में। देख रहे इतना तेज़ बारिश था कि इतना बड़ा बड़ा पेड़ ऐसे ही गिर गया, और एक ही नहीं ऐसे ऐसे ना जाने कितना पेड़ गिर गया, क्योंकि इधर तो पेड़ का तो बहुत ज़्यादा पेड़ है ना, इधर में हर 10 फीट पे एक पेड़ मिलेगा, देखिए इसके आगे भी एक पेड़ गिरा हुआ है। देख रहे नहाने वाला टंकी पे ही गिर गया है, आदमी लोग नहाने के लिए डिस्टर्ब हो गया, अंदर में टंकी था नहाने वाला उधर ही गिर गया, और घर लोग के लिए तो